जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। खुदा की कसम जारा, हम तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे। रुखसार को अपने साथ रखने का जो फैसला तुमने लिया जारा, वो बेवकूफी भरा है। तुम्हारा ये कदम हमारे आपसी रिश्ते के बीच टंगी हुई वो तलवार है जो कभी भी किसी वक्त हमारे रिश्ते की दौर को हमेशा हमेशा के लिए काट देगी जारा। रो के बताओ ना, कैसे रोती हो तुम? आंसू गिराओ ना, रोती हो। जारा, तुमने हम पर हाथ उठाया? क्या बोल रही हो रुखसार तुम? हमने तुम पर कब हाथ उठाया? हम भी तुमसे बदला लेंगे, इधर आओ, हमें तुम्हें थप्पड़ मारना। हमने गलती की है सारा, हमें माफ कर दो। अब्बू से दूर हमारे साथ रहकर कबीर कितना बदलते जा रहे हैं। ये जोड़ा अम्मी का जोड़ा है? हाँ, ये अम्मी ने हमें दिया। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। जब से हम जारा के पास आउट हाउस में आने लगे, वो अपनी जिद छोड़ती जा रही है। हमें उसकी जिद छुड़वाने के लिए उसके पास आते रहना होगा। आपकी सालगिरह पर एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, पूरे 15 लाख रुपए हैं। पप्पी जान, आपके तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक रुपया कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुमने 15 लाख का चेक जला दिया। आराम से, क्या जरूरत है इतनी शैतानी करने की? मना करते हैं ना, क्यों भागती तो रहती हो? क्या करें, ऑटो भी तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम यहाँ खड़ी हो और भागना मत, ऑटो में भी कोई नहीं। जरा हमें नया ब्लैंकेट खरीदना है, नया कंबल चाहिए। रुक सा, जिद नहीं करते हैं, घर में और कंबल है, हम सीन भाभी से बोल देंगे, दे देंगे वो। नहीं नहीं नहीं, हमें नया कंबल खरीदना। रुक सा, जिद नहीं करते हैं और तुम यहीं खड़ी रहो, दौड़ना मत, ठीक है? और दर्द होगा। ऑटो रुखसार, जरा देखो कितना अच्छा कंबल है। रुखसार चलो। जरा प्लीज, एक नया कंबल लेने दो प्लीज। जी बोलिए बहन जी। कितने के हैं ये? 1,00,000। ये बात तो कबीर को मालूम ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बस अभी आते हैं, आते हैं अभी। रुखसार जाओ, तुम घर के अंदर जाओ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, उन्हें क्यों भेज दिया? रुखसार, तुम हमारे साथ थी इसलिए हम ऑटो से आए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बार बार ऑटो से आए जाएं। तुम हमारे साथ चलोगे नहीं तो थक जाओगे, हम पैदल जाएंगे। तो ठीक है ना, हम भी पैदल चल लेंगे। इधर आपा, इधर आपा। रुखसार, तुम पैदल नहीं चल पाओगे, थक जाओगे। चल लेंगे जरा। जी बेगम। इधर आपा, आप रुखसार को रोटियां बनाना सिखा दीजिए ना, तुम्हें रोटी बनाना सीखना था ना? हाँ हाँ। तुम इधर आपा से रोटियां बनाना सीखो और शरारत मत करना, ठीक है? ठीक है। जारा, कोई फोन आया था तुम्हें? इमरजेंसी वाला? तो चलो हमारे साथ चलो, चल कर जाओगी बहुत वक्त जाएगा, चलो हमारे साथ चलो। इमरजेंसी है, चलो।
अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने। जी जी साहिल, हम दोनों पति पत्नी। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन की नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? रतिया और मैं शादीशुदा नहीं, चीज जिस पर मैनेजर। यस यस न्यू वे। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। पिता तू आ गए पुत्र, मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है। राम जी क्या कर रहे हो? राम से बजाना बंद करो। सुल्तान तारी जान है राणा साहब, मुझे तने उसे बचाने से रोके है। तेज की औकात दिखा दीजिए राणा साहब। सीढ़ी मुझे दी। जब मैं आग बुझाने वाला स्प्रे लेने बाहर आई तो मैंने देखा कि माई के हाथ में ये सीढ़ी है। माई ने संपदा से बात नहीं की तो ये बात सही है कि माई ही वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। माई का ट्रुथ सीरम टेस्ट होना जरूरी है, और अब सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बैग किसका है? ये सिगरेट किसी लोकल कंपनी की बनी है, हमें अनुप्रिया से पूछताछ करनी होगी। इस शनिवार देखिए एक घंटे का महा एपिसोड जो शांतनु और पुचकी की दोस्ती में ले आएगा एक अनोखा अध्याय, क्योंकि ये शनिवार मुहूर्त है शादी का। देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने। जी जी साहिल, हम दोनों पति पत्नी। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन की नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। आप हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? रतिया और मैं शादीशुदा नहीं, चीज जिस पर मैनेजर। यस यस न्यू वे। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। पिता तू आ गए पुत्र, मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है। राम जी क्या कर रहे हो? राम से बजाना बंद करो। सुल्तान तारी जान है राणा साहब, मुझे तने उसे बचाने से रोके है। तेज की औकात दिखा दीजिए राणा साहब।